मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो रिव्यू वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास है VLCC की इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मैं अभी ही मतलब ब्लीच के लिए बैठी हूँ गाइज, मतलब मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना भी लेती हूँ जब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, तो ताकि आप सब भी इसका जो है मिरेकल देख सके। और मैं इसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ। यस गाइज, मैंने इससे पहले कभी भी डायमंड ब्लीच कभी नहीं यूज़ की है दोस्तों, तो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस। देखते हैं ये कैसे काम करता है। एंड ये जो मेरे पास पैक है गाइज, ये 70 रुपीज़ का पैक है मेरे पास, और इसकी जो क्वांटिटी है 30 ग्राम्स है। एंड इसके अंदर इस तरीके के दो सैशेज अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। ये छोटा वाला है जो कि है प्री ब्लीच क्रीम, जो आपने जैसे आपका कंप्लीट बेयर फेस है तो आपने इसे पहले से अप्लाई करना है फेस पे। और ये है पोस्ट ब्लीच पैक, तो इसे आपने जब ब्लीच लगा के हो जाएगा, जब आप स्किन को अपने फेस को क्लियर कर लेंगे, तो आपने ये पैक तभी लगाना है गाइस। तो मैं अभी कम्प्लीटली बेयर फेस हूँ और मैंने सोचा मैं लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख सके इसका फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा होता है ये डायमंड ब्लीच का दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने फेस क्लीन कर लेना है, और अपनी क्लीन फेस पे ही आपने जो है ब्लीच लगानी होती है गाइस। एंड सबसे पहले हम लगाएंगे ये प्री ब्लीच क्रीम। ब्लीच लगाने से पहले आपने ये लगानी है, जो छोटा वाला पैक है दोस्तों, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे खोल तो ली है। एंड ये क्रीम है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से है, वाइट कलर की है, तो आपने इसे लेकर जो है फेस पे मसाज कर लेनी है। तो आपने देखा ये कम्प्लीटली स्किन के अंदर जो है अब्सॉर्ब हो जानी चाहिए। और अब हमने क्या करना है, हमने जो है ब्लीच रेडी करनी है दोस्तों। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ब्लीच रेडी करके हम स्टोर करके रख सकते हैं क्या, बाद में लगा सकते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। ब्लीच आपने तभी ही लगानी है जब आप तभी यूज़ करनी है जब आप लगाने बैठे हो, उसके बाद जैसे अगर आपको यूज़ करनी है तो नो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और ये है इसका ब्लीच की क्रीम जो जार है, और ये है एक्टिवेटर गाइस। तो चलिए अभी इसे भी हम लोग जो है मिला लेते हैं। हमने जो है ब्लीच जो रेडी करनी होती है दोस्तों, प्लास्टिक के आप कोई कप में इसे रेडी कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का एक ऊपर का ढक्कन है, कंटेनर का, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ गाइस। एंड ये है क्रीम, एंड एक्टिवेटर भी मेरे साथ ही में है, तो आप अपने फेस के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। क्रीम की मैं लूँगी ऐसी, लगभग मैं लूँगी 2 चम्मच भर के, ताकि मैं फेस और नेक पे लगा सकूँ प्रॉपरली। आप देख सकते हैं इतना बड़ा डॉलप मैंने निकाला हुआ है, तो ये 1 डॉलप एंड ये 2nd, ये आप देख सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी है ना, इनफ है, आप इसे 2 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, तो विच इज़ रियली वेरी गुड। पार्लर के पैसे भी अच्छे खासे बच जाएंगे आपके। एंड जो एक्टिवेटर है वो आपने कैसे लेना है दोस्तों, जितनी ये ऊपर चम्मच की आप ये एक देख सकते हैं कि एक सेक्शन बना हुआ है ऊपर चम्मच का, उसका 1/4 आपने लेना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से आई विल जस्ट टेक 1/4, मतलब 1/4 ही आपने लेना है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने निकाल लिया है, एंड आपने इसके अंदर जो है मिक्स कर देना है, और इसे अच्छे से मिक्स करना है कि एक स्मूथ एक क्रीम टाइप बन जाए, और इसे फेस पे लगा लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से मिक्स करके इसे फेस पे लगाती हूँ,
एंड देखते हैं इसका असर कैसे। वैसे तो जो क्रीम लगाई है उससे ही काफ़ी अच्छा शाइन आ गया है फेस में, तो चलिए। तो ये देखिए गाइज, ये इस तरीके से क्रीम फॉर्म में जो है बन जाना चाहिए, इस तरीके से प्रॉपर ये मेल्ट हो जाएगा जो एक्टिवेटर है अंदर क्रीम की तरह, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो परफेक्ट बन गया है अभी एकदम से, एंड लेट्स अप्लाई इट। चलिए तो गाइज, मैं अभी से लगा रही हूँ फेस पे, और पूरी इवन लेयर हमने लगानी है, कोई पतला कोई थिक लेयर ऐसे अन ईवन बिल्कुल नहीं लगाइएगा, इवनली स्प्रेड कीजिए अपने फेस पे। एंड फेस और नेक दोनों आपने कवर करना है। आईज से आपने थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ब्लीचेस को हमेशा आई से थोड़ा दूर रखना चाहिए, नहीं तो आपको जलन होगी, आईज वाटरी हो जाएगी एंड आई साइड आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो ये ऐसी बात है फ्रेंड्स, तो ब्लीच का हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड जो भी 18 साल से ऊपर के हैं ना, मैं उन्हें ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं जो यंग भी होते हैं, उन्हें ब्लीच लगाना होता है। तो देखिए दोस्तों, 18 साल की अगर आपकी एज हो गई है तो आप जो है ब्लीच लगा सकते हैं, जो उसे कम उम्र के हैं तो आप हर्बल ब्लीच जो है वो यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से ऐसी जो जैसे डायमंड गोल्ड ब्लीच है तो थोड़ा उन्हें अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मतलब ये ना मतलब थोड़ी सी ये मैं कहूँगी थोड़ी स्ट्रांग होती है। वैसे ये भी मतलब अच्छी खासी स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने तो बराबर एकदम एक्यूरेट रेशियो ही लिया है दोस्तों, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक्चुअल डायमंड के भस्म है जो तासीर है जो इस ब्लीच के एक्टिवेटर में, तो उस वजह से ये स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक्चुअली में मतलब स्पार्क टाइप फील हो रहा था मुझे अपने स्किन पर। एंड आई वुड से कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो ब्लीच को ना यूज़ करें, स्पेशली ये जो डायमंड ब्लीच है ना VLCC की, क्योंकि ये एक्चुअली में स्ट्रांग है गाइज। यस, मैंने एक्यूरेट रेशियो लिया है, बट उसके बावजूद डायमंड के भस्म जो है वो जो है स्पार्क छोड़ रही है। एंड मैं इसे नेक पे भी लगा रही हूँ। ब्लीच को हमने जो है 20 मिनट्स के लिए फेस पे लगा के रखना, जब तक ये ड्राई हो जाती है। एंड दोस्तों, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ब्लीच लगा के हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं, तो नहीं दोस्तों, ब्लीच लगा के आपने तुरंत सनलाइट में नहीं जाना होता है, तो सनलाइट में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तक नहीं जाना होता है। तो मैं इसलिए सबको रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा करके रात के टाइम पे ब्लीच लगाएं, क्योंकि ओवरनाइट जो है आप वैसे भी कहीं बाहर धूप नहीं रहती है, एंड आराम से फिर अगले दिन सुबह ही आप अपना फेस क्लीन कीजिए फेस वॉश से या सोप से। ब्लीच लगाने के बाद आपने दोस्तों फेस वॉश से फेस क्लीन नहीं करना है, नॉर्मल प्लेन कपड़े से ही फेस को पोंछना होता है। कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप दीजिए फेस वॉश या कोई भी सोप फेस पे यूज़ करने से, नहीं तो आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आएगा दोस्तों ब्लीच का। तो ऐसी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है और मुझसे कमेंट में पूछते, तो मैंने सोचा चलो आज इस चीज़ को मैं इस वीडियो में जो है कवर भी कर लेती हूँ, ये पॉइंट को भी। तो अब मैं इसे लगभग 20 मिनट तक ड्राई करने के लिए रखूँगी, जो कि ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाएगी, एंड फिर आपको बताती हूँ ये ड्राई होकर कैसे लगती है गाइस। तो देखिए ये अब ड्राई हो गई, ड्राई जैसे ही हो जाएगी ये तो इस तरीके से सूख जाएगी, पपड़ी पपड़ी जैसे इसकी बन जाएगी। तो ये सही टाइम है, तो ये मैंने वेट क्लॉथ लिया हुआ है, एंड वेट क्लॉथ से ही आपने जो है पोंछना होता है, कोई साबुन कुछ नहीं आपने लगाना है, कम से कम आपने 5 घंटे का गैप देना ही देना होता है दोस्तों इस तरीके से। तो मैं इसे अभी पहले निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज पता लग रहा है दोस्तों, तो यस, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, मुंबई में क्लाइमेट चेंज हो गया तो उस वजह से मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है गाइस, जो आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ से पता ही लग रहा होगा। एंड इस तरीके से आपने ये एक्चुअली में स्ट्रांग है, क्योंकि मेरी आईज़ जो है लिटरली वाटरी हो गई है दोस्तों, तो ये एक्चुअली में स्ट्रांग है, तभी मैं कह रही हूँ जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो ना यूज़ करें। एंड मर्दों के लिए तो ये ब्लीच बनती है, क्योंकि ये ओना थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड है, तो जो मर्दों की स्किन रहती है वो हार्ड ही रहती है गाइस, तो वो अगर ब्लीच लगा के अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली VLCC की डायमंड ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। तो महिलाएं जो देख रही हैं अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, डैड को अगर रिकमेंड करें तो ये VLCC की गोल्ड डायमंड ब्लीच रिकमेंड करे गाइस। एंड महिलाएँ तो बड़ी आराम से लगा सकती है, बट सेंसिटिव स्किन वाले नहीं। तो ये है पोस्ट ब्लीच पैक, ये आपको ब्लीच के डब्बे में ही मिलेगा दोस्तों, ये आपने लास्ट में लगाना है। ब्लीच को क्लीन कर लिया आपने कपड़े से, तो ये लास्ट में लगाना है, इसे तब तक लगा के रखना है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बट मैं इसे ऐसा पैक लगा रही हूँ अपने फेस पे, एंड आई एम अप्लाइंग दिस। कपड़े से ही फेस क्लीन करना है दोस्तों, वेट क्लॉथ से, और तुरंत लगा लेना है इसे।
एंड गाइज, मुझे लोग काफ़ी ये भी पूछते हैं कि ब्लीच आप स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं, तो नहीं दोस्तों, ब्लीच आपने तभी ही बना के उसी टाइम यूज़ करनी होती है, ऐसे स्टोर करके कतई ना रखिएगा। एंड ये सही चीज़ नहीं है, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और उसमें वो तासीर नहीं रहेगी जो आपकी स्किन को जो है वाइटन कर सके, ब्राइटन कर सके दोस्तों। सो येस, एंड आपके फेशियल हेयर भी काफ़ी अच्छे से ये ब्लीच से जो है कवरअप हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे। मुझे बहुत छोटी छोटी सी ही ग्रोथ है दोस्तों फेशियल हेयर की, जो इतनी नोटिसेबल भी नहीं होते, बट ठीक है, मतलब किन किन लोगों की आंखें इतनी ज़्यादा तेज़ रहती हैं ना कि वो छोटे छोटे हेयर भी देख लेते हैं दोस्तों, स्पेशली जैसे अपर लिप्स के हो गए या जॉ लाइन के हो गए, उस तरीके से मैं कह रही हूँ। एंड ये पैक उतना ही था कि आपका फेस कवर हो सके, मैं लिटरली इस पर मेहनत कर रही हूँ कि स्क्वीज़ आउट होके मैं इसे और यूज़ कर सकूँ, बट ये जो है निकलने को राज़ी नहीं है, पर ठीक है, जैसे तैसे करके मैंने अपने नेक को थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। तो मैं अभी इसे सुखाने के लिए रखूँगी 4 से 5 मिनट में, ये सूख जाएगा बड़ी अच्छे से, और इसे फिर मैं पानी की स्प्लैश मार दूँगी फेस पे, दैट्स इट, नो फेस वॉश, नो सोप, नथिंग, ओनली पानी, ओनली वाटर। तो इस तरीके से इसे मैं रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। एंड गाइस, ये देखिए ये सूख चुका है, तो अब मैं जो है ये इस तरीके से सूख जाएगा, तो इस तरीके से मैं अभी पानी की स्प्लैश लूँगी। साबुन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है दोस्तों, ये सुन लीजिएगा ध्यान से, एंड फिर आप देखो ना मेरे फेस पे ग्लो कैसा आता है दोस्तों। चलिए, तो गाइज आपने देखा वो क्रीम जो मैंने लगाई थी ना, वो एब्जॉर्ब तो नहीं होती है क्योंकि वो प्रॉपर थोड़ी थिक सी थी, तो मैंने उसे क्या किया, अप्लाई करके रख दिया था मतलब 5-7 मिनट्स के लिए, एंड हल्की हल्की वो ड्राई जैसी हो गई थी ना, तो मैंने नॉर्मल वाटर से ही फेस क्लीन कर लिया था। एंड निखार तो काफ़ी अच्छा आया है फेस पे, बट जो मेरे हल्के हल्के मार्क्स रह गए ना, बहुत हल्के हल्के रह गए, बहुत ज़्यादा हल्के हैं वो, मतलब और उभर के आ गए हैं, मतलब स्किन इतनी ज़्यादा वाइटन अप हो गई है, प्रॉपर डायमंड जैसी शाइन तो आई ही है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लोजअप लुक आप लोगों को बता देती हूँ। एंड जिस तरीके से मैंने बताया आपने उस तरीके से अप्लाई कीजिए दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो VLCC की डायमंड किट, जो मैंने आपको डायमंड ब्लीच की जो रिव्यू प्लस डेमो बताया, आपको पसंद आया होगा गाइस। एंड मेरी इस वीडियो को तो बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, बाय।